प्राचीन काल में सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा हुए। वह प्रजा के पालन प्रेमी थे। उनके राज्य में कोई निर्धन नहीं था। चारों वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर डाकू आदि का कोई भय नहीं था। प्रजा स्वस्थ थी। सभी लोग उदार, सुंदर, बुद्धिमान, दानी और धार्मिक थे। इतना सुंदर राज्य शासन होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महर्षि यज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें कालांतर ही पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा राज्य का कार्यभार अपने मंत्री राजपाल को दिया। राज्य का शासन हाथ में आ जाने के कारण मंत्री धर्मपाल धन्य ध्यान और समृद्ध हो गया। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्र हुए। मंत्री के पुत्रों का धूमधाम से विवाह हुआ। मंत्री के सबसे छोटे लड़के की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण गणेश चतुर्थी आने पर उसने भक्ति पूर्वक गणेश की पूजा की और व्रत देखकर उसकी सास कहने लगी, अरे क्या कर रही है, पुत्रों को वश में करना चाहती है। बार बार सास के मना करने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, अरे दुष्टा, तू मेरी मान नहीं रही है, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी। इसके उत्तर में बहू ने कहा, हे सासू जी, मैं संकट नाशक गणेश जी की व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायक होता है। बहू की बात सुनकर सास ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारी पत्नी जादू टोना करना चाहती है, उसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं नहीं जानती यह कौन गणेश है, ये कौन है और इनका व्रत कैसे होता है। माता की प्रेरणा से उसने बहू को मारा पीटा। इतनी पीड़ा सहकर भी उसने व्रत किया। पूजना उपरांत वह गणेश जी को स्मरण करती है और उनसे प्रार्थना करने लगी कि गणेश जी, आप हमारे सास ससुर को किसी प्रकार का कष्ट दीजिए, जिससे उनके मन में आपके प्रति भक्ति भाव जागृत हो। गणेश जी सबके देखते ही देखते राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया। बाद में उसके वस्त्र आभूषण आदि उतार कर राजमहल में फेंक दिया और वह स्वयं अंतर्धान हो गए। इधर राजा अपने पुत्र के लिए परेशान हो गया। सभी नौकरों, सेवकों आदि से कहने लगे, हे अंगरक्षक मंत्रियों, मेरे पुत्र का पता शीघ्र ही लगाओ। राजा ने अपने मंत्री धर्मपाल को भी बुलाया, हे धर्मपाल, मुझे साफ साफ बता दे कि राजकुमार कहाँ है। इसके वस्त्र आभूषण तो दिखाई पड़ते हैं, केवल वही नहीं। अरे नीच, मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, तेरे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट पड़ने पर मंत्री चकित हो गया। मंत्री ने सर झुकाकर कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ, इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह नहीं है और ना ही डाकू रहते हैं। फिर भी हे प्रभु, पता नहीं किसने ऐसे नीच कर्म किए। धर्मपाल ने आकर महल में अपनी पत्नी और पुत्रों से पूछा। अपनी सभी बहुओं को बुलाकर भी उसने पूछा कि यह कर्म किसने किए। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मुझ अभागे के वंश का विनाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा कि हे दादाजी, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं, आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, इसलिए आप गणेश जी की आराधना कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त स्त्री पुरुष बालक वृद्ध संकट नाशक चतुर्थी का व्रत विधि पूर्वक करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएगा, यह वचन कभी मिथ्या नहीं होगी। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा, हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। गणेश जी की पूजा कैसे होती है। बहू ने कष्ट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत की विधि बताई। राजा सहित समस्त प्रजाजनों ने गणेश जी को प्रसन्नता के लिए व्रत किया। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों को देखते ही देखते उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा के हर्ष की कोई सीमा ही ना रही। राजा कह उठे, गणेश जी धन्य हैं और साथ ही साथ मंत्री की कल्याणी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र यमराज के यहाँ से भी जाकर लौट आया है। अतः सब लोग यह संतानदायक व्रत को निरंतर विधि पूर्वक करते रहें।